जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड्स का जर्मिनेशन। द सीड्स ऑब्टेंड फ्रॉम ए प्लांट आर यूजुअली वेरी ड्राई। प्लांट का जो सीड्स होता है वो बहुत ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है। इन दिस ड्राई स्टेट द सीड कैन रिमेन अलाइव। और इस ड्राई स्टेट में भी सीड क्या होता है, जीवित होता है, बट इनएक्टिव, लेकिन इनएक्टिव होता है फॉर लॉन्ग पीरियड्स, और लंबे समय तक ये जीवित रहते हैं। आपके घर में जो सीड जो रहते हैं, बीज पड़े रहते हैं, आपको चना के बीज है ना, वीट के बीज, ये सब जो रहते हैं वो ड्राई स्टेट में, सूखे स्टेट में अलाइव हैं, जीवित हैं, लेकिन इनएक्टिव हैं, डोरमेंट स्टेट में हैं। दे आर सेड टू बी डोरमेंट, उसे डोरमेंट कहते हैं। When a seed gets water, air and warmth, it begins to grow. और जैसे ही उसे सुटेबल कंडीशन मिला, वाटर एयर टेम्परेचर सुटेबल मिला, कि वो ग्रो करना शुरू करता है। When a seed begins to grow, it is said to germinate. और जब सीड ग्रो करना शुरू होता है तो उसकी स्टार्टिंग स्टेज को हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन, या कहते हैं जर्मिनेट। Thus the beginning of the growth of seeds is called germination of seeds. Seeds का जो growth का जो beginning stage होता है उसे हम लोग कहते हैं germination of seeds. Germination begins when the seed absorbs water, swells and brush through the seed coat. Helps the enzymes to function in the seed. जर्मिनेशन आपका शुरू होता है जैसे ही सीड आपका वाटर एब्जॉर्ब करता है, वह आपका फूल जाएगा और फिर ब्रस्ट कर जाएगा उसका सीड कोट, और उसके थ्रू आपको फिर उससे रूट्स और स्टेम ग्रो करना शुरू करते हैं, और वहाँ पर वाटर जो है वो हेल्प करता है एंजाइम को फंक्शन करने में। The enzymes digest the stored food in cotyledons and make it soluble. This soluble food makes the radical and plumule present in the seed to grow. Enzymes जो है वो cotyledons को जो stored food रहते हैं उसे digest करना शुरू करता है और उसको soluble बना देता है, और फिर वहाँ से soluble food जो है वो radical और plumule जो present होते हैं उसको grow करने में मदद करते हैं। The radical of the seed grows first to form the root. सबसे पहले root का formation होता है और radical जो है वो आपको root में grow करना शुरू करता है। The root pushes down into the soil. Root जो है soil में नीचे की तरफ push करता है and begins to absorb water and minerals from the soil. और water और minerals को absorb करना शुरू करता है। After this, root के grow करने के बाद थोड़े ही देर बाद, दिनों के बाद या कुछ समय के बाद, द प्लूम्यूल ग्रोज अपवर्ड्स टू फॉर्म शूट। प्लूम्यूल जो है वो फिर रूट के ग्रो करने के बाद प्लूम्यूल ग्रो करना शुरू करता है और वो शूट में ग्रो करता है। द शूट एंड रूट ग्रो फर्दर, और उसके बाद शूट और रूट फर्दर कंटिन्यू ग्रो शुरू कर देते हैं। When the shoot comes up above the ground, it develops green leaves. और शूट जैसे ही ग्राउंड से ऊपर आता है कि फिर वो ग्रीन लीव्स को डेवलप करता है।